हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू डेली एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के सेशन में मार्केट का मोमेंटम दे सकता है और हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज चलो यहाँ पर करने वाले फोर इंट्राडे स्टॉक्स कल ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप तो चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस। साथ में निफ्टी को अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर देखेंगे तो आज के सेशन की अगर मैं बात करूँ तो आज का सेशन पूरा वॉलेटाइल सेशन था निफ्टी के लिए। आप लोग देखेंगे यहाँ से ओपनिंग के बाद से अप मूव आया, तो यहाँ पे बहुत टाइम से कंसोलिडेट करा है, जो लेवल है इसकी फुल ऑफ कंसोलिडेशन में आ चुकी है। लेवल अब इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, पर यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर यहाँ से हमें एक थोड़ा सा डे एंड आता है, थोड़ा मूव देखने मिला। बैंक निफ्टी में ऐसा सच हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा मोमेंटम नहीं था। बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनल और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला एक मोमेंटम आया था आज के सेशन, जो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्रेड पैन भी हमारा बनवा सकता था। अभी हम लोग उसकी डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं कल के सेशन के लिए बात करूँ निफ्टी में, तो निफ्टी में हम लोग कल के सेशन में अगर हम लोग पहले ट्रेंड लाइन वॉच आउट करेंगे, एक ट्रेंड लाइन का तो इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, जिसके हम लोग पहले से बहुत टाइम से बात करते आ रहे थे। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ये वाली जो हमारी करेक्टिव ट्रेंड लाइन थी, इसको इसने आज सुबह मॉर्निंग के सेशन में टेस्ट करने के बाद फॉल दिखाया। उसके बाद डे एंड आते आते इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो हमारे लिए यहाँ से तो अभी बुलिशनेस आ चुकी है। और सेकंड ट्रेंड लाइन आप लोग देखेंगे, ये भी निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो बार पहले टेस्ट हो गई थी, आज तीसरी बार टेस्ट हुई है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि बिल्कुल इसी के पास में क्लोजिंग दिया। और साथ साथ में ये लेवल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 18,620 की। तो अगर ये कल के सेशन में इसको क्रॉस आउट करता है, एक ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने की मिलती है, हम लोग को एक अच्छा ट्रेड पैन मिल सकता है। 18,665 तक का हम लोग डायरेक्टली टारगेट देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी के अंदर, एक बढ़िया वाला मोमेंटम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और अगर उसके बाद ये कंटिन्यूस मोमेंटम दिखाता रहे तो आप लोग ऐसे वो ट्रेल करते हुए इसको 18,700 तक तो मिनिमम लेके जा ही सकते हैं आसानी से। आई होप गाइस आप लोगों समझ को कौन से ब्रेकआउट पे हम लोग अपने एंट्री पॉइंट बनाना है। यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्रेड पैन बना सकते थे, पर यहाँ पे सिर्फ रेसिपेरी ट्रेड पैन बनाए, क्योंकि यहाँ पे चौपीनेस बहुत ज़्यादा है इतने एरिया में मार्केट में। आप लोग देखेंगे इतने एरिया मार्केट में चौपीनेस बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ रेसिपेरी इस रेंज के अंदर ट्रेड बनाए, वरना ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग पैन बन जाएगा, जो लोग सेफ प्लेयर हैं। और अगर मैं शॉर्ट साइड की बात करूँ कि हम लोग कहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं, तो हम लोग इस वाली लेवल के नीचे ही ट्रेड प्लान नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे बार बार मार्केट नीचे की साइड आता है, विक मार्केट ऊपर चले जाता है। हम लोग सीधे अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे इस प्रीवियस डे लो के नीचे। जैसे ही इसके नीचे हम लोगों को निफ्टी निकलता हुआ दिखता है, हम लोग जा सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। 18,550 वाई लेवल के नीचे जैसे ही निकलता है, हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए। एक अच्छा खासा टारगेट हम लोगों का, पहला टारगेट तो 18,527 का आसानी से, या फिर मंगाओ 18,530 तक का, तो बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोगों को टारगेट देखने मिलने वाला है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में इसने यहीं तक की विक मारी थी। और अगर उसका ब्रेक डाउन देता है तो शार्प सेलिंग निफ्टी में आ सकती है, या फिर मैं कहूँ एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है निफ्टी में। 18,450 तक की 100 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर हमें देखने के लिए मिल सकती है, वरना हम लोग इस वाले पे अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाए तो हम लोग यहाँ पे अपने प्रॉफिट की बुकिंग कर लेंगे और एक अपना डिसेंट प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ अपसाइड की, या फिर मैं कहूँ गैप ऑफ ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग की, गैप ऑफ ओपनिंग होती है लेवल के ऊपर, तो सेम हम लोग क्या करते हैं हर बार, यहाँ कहीं अगर ओपनिंग देगा तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्रेड पैन बना लेंगे और एक हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड पैन बना सकते हैं, जैसे 18,665 को क्रॉस आउट करता है, और फिर टारगेट हमारा बन जाएगा 18,700 के अराउंड। एक अच्छा खासा हम लोग को टारगेट देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी के अंदर। और यूज गैप ओपनिंग देखने मिलती है तो 720 के ब्रेकआउट पर हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए, या फिर यहाँ से हम लोग रिवर्सल ट्रेड पैन बनाएंगे एक सेल साइड के लिए। 18,665 हमारा रहेगा टारगेट। आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे निफ्टी का एनालिसिस फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग पे। हमें बात करूँ अगर गैप सॉरी फ्लैट ओपनिंग और गैप ओपनिंग पे, हमें बात करूँ गैप डाउन ओपनिंग की, अगर गैप डाउन ओपनिंग इस रेंज के अंदर होती है तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस रेंज के बाहर गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलती है हमें, कि बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है हमें, तो हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड पैन बना लेंगे। एक अच्छा वाला हम लोग रिवर्सल ट्रेड पैन यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, फिर जो हमारी शार्प सेलिंग की लेवल है वो भी हमारी ट्रिगर हो जाएगी और 100 पॉइंट की रैली हम लोगों को आसानी से देखने के लिए मिल सकती है निफ्टी के। तो आई होप गाइस आप लोगों समझ में आ चुका हो निफ्टी का एनालिसिस, और गाइस समझ में आ गया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीधे बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी को भी अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट देंगे तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं मॉर्निंग से ही हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ओपनिंग के बाद से हम लोगों को काफ़ी बढ़िया मोमेंटम देखने मिला है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से एक ही रेंज के अंदर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप लोग प्रीवियसली भी देखेंगे बहुत टाइम से इसी रेंज के अंदर है पिछले कई दिनों से, तो अब यहाँ से मोमेंटम आने की चांसेस पूरी थी, वो आज पर आज एक्सपायरी के दिन काफ़ी बढ़िया हम लोग मोमेंटम देखने के लिए मिला है। और गाइस अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने जो टेलीग्राम पे लेवल के थ्रू डिस्कस करा था, क्योंकि मैं कल के सेशन में वीडियो नहीं बना पाया था कुछ इशूज की वजह से, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे उस स्टॉक सॉरी बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जो लेवल के बारे में डिस्कस करा था, इस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया। आप लोगों मैं चार्ट पे दिखाता हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे
लेवल का ब्रेकआउट मिल गया हमें मॉर्निंग के सेशन में, उसके बाद से गाइस रैली मोमेंटम शुरू हुआ है हमारा। तो जो लोग होल्ड करना जानते हैं उन लोगों को पूरा दिन का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता था। या फिर मैं बात करूँ अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, तो यहाँ से थे हमारी ट्रेंड लाइन, आप लोग ये ट्रेंड लाइन देखेंगे, इसके ब्रेकआउट पे भी सेफ प्लेयर एंट्री कर सकते थे। और यहाँ से आप लोग देखेंगे पूरे दिन का हमें एक थोड़ा कंसोलिडेशन मिला था और फिर एक बहुत ही ज़्यादा बड़े मोमेंटम मिला। अगर मैं आप लोग 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ तो री एंट्री भी हमें बहुत सारी मिली थी। आप लोग देखेंगे मल्टीपल एंट्री प्लान कहाँ पे बन सकता है। पहला तो हमारा ये था, दूसरा ट्रेड प्लान हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तीसरा ट्रेड प्लान हम लोग ये वाला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मान सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ से रिवर्सल हम लोगों को देखने के लिए मिला। एक अच्छा खासा आप लोग देखेंगे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट, फिर हम लोगों को अप मूव देखने मिला, फिर एक रिटेस्ट के बाद हमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने मिला। तो हमारे यहाँ से चार ट्रेडिंग प्लान बन गए। उसके बाद तो मैं नहीं कह सकता कि ऑल टाइम हाई की लेवल आ चुकी थी, तो उसके बाद हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और फिर मार्केट ने हाई भी कब क्रॉस करा है, 3:15 के आसपास मार्केट बंद होने वाला है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता तब लेने का। तो हम लोगों यहाँ पे चार ट्रेडिंग प्लान बने थे, पहला सुबह से वो बन गया था, फिर दूसरा उसके बाद, फिर तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, चार ट्रेडिंग प्लान बने। गाइज अगर आप लोगों ने किसी में भी इसमें ट्रेड कराओ तो गाइज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय करा हो प्रॉफिट को। और गाइज अगर आपने ट्रेड नहीं करा है कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे हम लोग अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। अगर ऐसा मोमेंटम आए तो हम लोग कैसे अपना ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी के अंदर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न देखने मिल रहा था वहाँ से तो हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल चुका है। अब बैंक निफ्टी जो अपने ऑल टाइम हाई पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। तो अब हम लोग को ट्रेड प्लान क्या बनता है, जैसे मैं आप लोग हर बार बताता हूँ, ये हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट कौन सी बन जाती है, राउंड लेवल जो हमारी होती है। राउंड लेवल्स कौन सी हो गए हमारी 43,700, नेक्स्ट लेवल हमारी इंपॉर्टेंट बन जाएगी, फिर 800 हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राउंड लेवल बन जाएगी, जहाँ से हम लोग रिवर्सल या फिर टारगेट बुकिंग हम लोग अपनी कहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं अगर कल के सेशन के लिए ट्रेड प्लान बताऊँ तो 600 को तो इसने क्रॉस आउट कर दिया है, क्रॉस आउट करने के बाद उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अगर ये यहीं पे ओपनिंग देने के बाद एक दो कैंडल रुकता है फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो रिस्की प्लान है अगर आप लोग, तो यहीं पर एंट्री प्लान पर बना सकते हैं डे हाई के ब्रेकआउट पे, वरना आप लोग सेफ प्लान है तो यहाँ से आप लोग रिवर्सल पे इंतजार करिए। रिवर्सल जैसे ही देखने के मिले हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए, नीचे की लेवल से 18,500 वाई लेवल से रिवर्सल देखने मिलेगा, हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए। टारगेट हमारा बन जाएगा पीवीएस जो है 18,650 तक का, या फिर मैं कहूँ अराउंड हम लोगों को काफ़ी अच्छी रैली देखने मिल सकती है, 150 पॉइंट की रैली हमें मिलने वाली है अगर ये वहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो। ये बनेगा हमारा बैंक निफ्टी में ट्रेड पे। अपसाइड जाता है तो हम लोग वो कल के सेशन में डिस्कस करेंगे, कोई पैटर्न बन जाएगा अगर या फिर कोई हमें रिवर्सल देखने मिले, ऐसे सिर्फ रिस्की प्लान वैसी जगह पर ट्रेड करें, वरना मेरे हिसाब से हम लोग कोई और ट्रेड पे नहीं बनाएंगे। हम लोग यहाँ से बाई साइड का एक ट्रेड पे बना सकते हैं, रिस्की प्लान है जल्दी एग्रेसिव बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलती है और ये इसका ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए भी जा सकते हैं। ये बन जाएगा फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 43,400 के अराउंड, हम लोगों को 100 पॉइंट का मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है ब्रेक डाउन के बाद। तो आई होप गाइस आप लोगों समझ में आ चुका बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस, ऐसा सच हमारे लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं रहने वाला है इसके लिए। बाकी गाइस आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के सेशन में वो चांसेस होंगे कि मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपडेट दूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारी बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर कोई पैटर्न बनेगा कुछ भी मुझे लगेगा लॉजिक कि हम यहाँ पे ट्रेड पॉइंट बना सकते हैं तो उसका अपडेट आप लोगों का इस लाइव में यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो फटाफट से गाइस जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और आईपीओ से रिलेटेड भी अपडेट आप लोगों को सारा मिलने वाला है। आज के सेशन में तीनों आईपीओ ने ओपनिंग दी और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट ओपनिंग दी थी और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम लोग कह सकते हैं हमें प्रॉफिट कैप्चर हो सकता था। तो वाइज अगर किसी को आईपीओ मिला हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा खासा रिटर्न उसको देखने के लिए मिला होगा। और वाइज अगर आप लोगों ने ट्विटर पर भी मुझे फॉलो नहीं करा है तो फटाफट से आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में। मैंने अभी लेटेस्ट में ही वहाँ पर एक स्टॉक का अपडेट दिया था जिसने आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, फटाफट से जाके आप लोग गाइस चेकआउट कर सकते हैं, पोजिशनल स्टॉक्स का सारा अपडेट आप लोग वहीं पे देखने के लिए मिलने वाला है। बात कर लेते हैं अब कल के सेशन के लिए पहले इंट्राडे स्टॉक्स की। तो कल के सेशन के लिए हमारा पहले इंट्राडे स्टॉक्स आने वाला कैनफिनोम, जिसको अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन नजर आई थी जिसको कंटिन्यूसली फॉलो करता हुआ डाउन ट्रेंड में आ रहा था। फाइनली आज के सेशन में इसने इसका ब्रेकआउट तो दिया पर यहाँ पे हम लोगों को फुल ऑफ कंसोलिडेशन देखने के लिए मिली है, हम लोगों को अप मूव देखने के लिए नहीं मिला। अगर ये कल के सेशन में इस वाई लेवल को क्रॉस आउट करता है जो इसकी लेवल है 560 के अराउंड की, अगर ये इसको करता है तो हमें चांसेस पूरे हैं कि भाई अच्छा खासा मोमेंटम मिलने वाला है। 564.5 हमारा आसानी से पहला टारगेट बनेगा और दूसरा टारगेट हम लोग लेने वाले हैं 567 के अराउंड, हम लोग आसानी से अपना दूसरा ट्रेड प्लान सॉरी दूसरा टारगेट हम लोग इसमें आसानी से बना सकते हैं अपसाइड में। वाइस याद रखिए इसको हम लोग खाली अपसाइड के लिए रखे हैं क्योंकि यहाँ से हम लोगों को ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है, मतलब चांसेस पूरी अपसाइड की ही रहने वाली है। हमारा सेकेंड इंट्राडे स्टॉक्स होने वाला है IEX, जिसमें हम लोगों को एक मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है पर हाँ
हम लोगों को हमेशा बिल्कुल परफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन नजर आ रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। लेफ्ट शोल्डर ये हेड आगे हमारा राइट शोल्डर। तो अगर कल के सेशन में इसको क्रॉस आउट करता है कौन सी लेवल को, 148.7 वाई लेवल को क्रॉस आउट करता है, हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए। 149.6 आसानी से हम लोगों को टारगेट देखने के लिए मिलने वाला है, और दूसरा टारगेट हम लोग इसमें ले सकते हैं अपना 150 का। एक नेक्स्ट और लास्ट टारगेट हम लोग 150 का प्लान आउट इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है। वाई लेवल से ब्रेकआउट के बाद अराउंड हमें 0.85% का मोमेंटम मिल सकता है, जो एक अच्छा खासा हम लोग डिसेंट प्रॉफिट को वीक करवा सकता है। और गाइस अगर कंटिन्यूअसली जाता है, याद रखिए अगर ये कंटिन्यूअसली जाता रहता है एक दो कैंडल के थ्रू, तो आप लोग कैंडल बाय कैंडल अगर ट्रेलिंग करना चाहते हैं या किसी और भी तरीके से अगर आप लोग ट्रेल करना चाहते हैं अपने एसएल को, तो ट्रेल करें आप लोग जहाँ तक का आप लोगों को ट्रेलिंग एसएल लेट ना हो, वहाँ तक आप लोग ट्रेल करके एसएल ले जा सकते हैं। हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक होने वाला है अदानी इंटरप्राइज, जिसमें हम लोग क्या नजर आ रहा है, हम लोगों को एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की फॉर्मेशन नजर आ रही है। और गाइज अगर आप लोग स्टॉक सेलेक्शन की वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से गाइज आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक उसका आई बटन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चैनल के थ्रू जाके सीधे वॉच आउट कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक कैसे फाइंड आउट करें वो आप लोगों को उस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा, तो फटाफट से गाइज जाके आप लोग आई बटन के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को फ्लैग एंड पोल पैटर्न इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, अगर ये इसको क्रॉस आउट करता है एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। कहाँ तक का 4100 हम लोग आसानी से अपना टारगेट बना सकते हैं, याद रखिए 4100 एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हम लोगों का टारगेट अचीव हो सकता है। ब्रेकडाउन पे सिर्फ एग्रेसिव प्लेयर्स ही या फिर मैं कहूँ थोड़े रिस्की प्लेयर ही शॉर्ट साइड के लिए जाएं, सेफ प्लेयर तो अवॉइड करें। और टारगेट हमारा बन जाएगा 3988 का आसानी से पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट बन जाएगा 3960 का हमारा बन जाएगा यहाँ पे दूसरा और लास्ट टारगेट, इसमें अदानी इंटरप्राइज में शॉर्ट साइड के लिए 3960 का। आई होप गाइज आप लोगों समझ में आ रहा होगा, और गाइज समझ में आ रहा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हुए तो गाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा फोर्थ और लास्ट इंट्राडे स्टॉक होने वाला है कल के सेशन के लिए बजाज फिनसर, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न की फॉर्मेशन बनी हुई है। ये आप लोग देख सकते हैं इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हमारी बन चुकी है, काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस के पास में रुका हुआ है। तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए तो प्रीफर करने ही वाले हैं, बिल्कुल करने वाले हैं, क्योंकि इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इससे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देगा। हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, पहला टारगेट 1600 हम लोग, या फिर मैं 1600 पे मार्क कर देता हूँ, 1600 इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बन जाएगा हमारा पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट इसमें हम लोग प्लान करने वाले अपना जो हमारा रीसेंट स्विंग लो है, या फिर मैं कहूँ हमारा थोड़ा शॉर्ट टर्म का हमारा जो एक स्विंग लो बना है 1593 भी, या फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ तक का बन जाएगा हमारा दूसरा और लास्ट टारगेट। और एक बढ़िया मोमेंटम हम लोग कल के सेशन में कैप्चर कर सकते हैं, अराउंड 1.3% का एक हमें बेहतरीन मोमेंटम मिल सकता है बजाज फिनसर में डाउन साइड के लिए। अपसाइड के लिए तो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लान है तो ही रखें, अगर चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देता है साथ साथ में जोन का भी तो रिस्की प्लान है, तो बाई साइड के लिए जाएं और 1637 पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से तो आप लोगों इसको अवॉइड करना है अपसाइड के लिए, सिर्फ शॉर्ट साइड के रखें तो आप लोगों ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आई होप गाइस आप लोगों समझ में आ चुका होगा चार इंट्राडे स्टॉक्स का एनालिसिस और निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस डिटेल में आप लोगों समझ में आ चुका होगा। और गाइस समझ में आया और अच्छा लग रहा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।